क्वेश्चन अपने को फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस. आज दो इक्वेशन दिती हैं अपने जो के की वैल्यू फाइंड करनी है वो भी उदों जो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशनस हो. इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशनस उदों होंगे जो ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू. पहला दो का केस लवेंगे फिर बाद चले दो का. क्यों बी नू दोनों नाल कंपेयर क्यों करना है आप चेक करना है. पहला आप दो लें क्योंकि जे समझाने अगे ए वन अपॉन ए टू ए वन की वैल्यू टू है ए टू की वैल्यू फोर है इक्वल्स टू बी वन की वैल्यू थ्री है बी टू की वैल्यू के है. लिख लिया वन अपॉन टू इक्वल्स टू थ्री अपॉन के क्रॉस मल्टीप्लाई की के इक्वल्स टू सिक्स आ गया एक वैल्यू मिल गई. हुण आपां जदों बी वन इक्वल्स टू बी टू नू सी वन इक्वल्स टू सी टू नाल कंपेयर किया थ्री अपॉन के इज इक्वल टू फाइव अपॉन टेन इत्थे भी सिक्स आया. जे सिक्स आया तो आंसर सही है. जे अलग अलग वैल्यूज आ गई तो नो वैल्यू आंसर आ जाना सी. क्यों क्योंकि होर अलग अलग वैल्यूज आ जानियां ने. जे अलग अलग वैल्यूज आदि मतलब ए वन अपॉन ए टू ही सी वन अपॉन सी टू नाल इक्वल नहीं है. जो इक्वल नहीं तो इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशनस आ ही नहीं सकते उदों नो वैल्यू आती होंगी है. आप सारे आपस च कंपेयर करना है.